स्वागत वंदन अभिनंदन और बहुत बड़ा उत्साह मनाते हैं, है ना। और इसके लिए आज के लिए अपना संविधान, अपने संविधान की उद्देश्य, संविधान का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या प्रस्तावना है, इसको इस बात के लिए जो हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र के नागरिक हैं, कर्मचारी हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, सबको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम आज अपने प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे और प्रस्तावना उद्देशिका 10 मिनट की है, उद्देशिका दोहरा बोलेंगे और सभी लोग हम दोहराएंगे और स्वागत करेंगे माननीय प्राचार्य महोदय। आज इसे एक तरह में गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर हमारे पधारे हुए सभी संभ्रांत नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, सभी माताएं, बहनें, प्रिय छात्र छात्रा, हम अपने विद्यालय परिवार के ओर से, अपने ओर से हम वंदन स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप जो है इस गणतंत्र दिवस में शरीक हुए। उसी के उपलक्ष में आज जो है शासन की जो मंशा है कि प्रत्येक विद्यालय में जो है ये संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना का वाचन प्रत्येक शनिवार को किया जाए, लेकिन आज जो है हम सब मिल करके जो है संविधान के उद्देश्य का जो प्रस्तावना है हम उसका वाचन करेंगे और आप उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्ग शेष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 छाविक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा और समर्पित करते हैं। शेष जय हिंद, जय भारत। हमने वाले रहने वाले
धन्यवाद।